वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 10 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 सुजानगढ़। राम राम कृष्ण राम सती समय प्रपन्न पारिजाताय कोटिमेत्रैकपादाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताम्बरे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। ंशीर्घोषितकरान्नवनीरुदाभात्ताम्बरादरुणविल्लभराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वपरं न जाने। हरि ओं नमोस्परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। परमात्मा की अलौकिक विलक्षण कृपा से अभी आप लोगों के हमारे संबंध उस बातें करने का मौका मिला है।
आप ध्यान देकर सुने, मानव जीवन जैसे महाराज ने कहा ना, जब जिसको चीज मिली हुई है उसको उसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता, वो चीज न मिलने से पता लगता है, तो अभी उसका इतना ख्याल नहीं है, परंतु थोड़ा ख्याल करे भगवान की कृपा से, तो वो कहीं न करुणा नरदे ही देश देत ईश बिन हेतु सही, ये फिर सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसे फेरते हुए को कबूल कई करुणा, मानो कर्म से सब शरीर मिलते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर मिला है ऐसी बात नहीं है, सदा फिर सदा माया कर प्रेरणा, माया की प्रेरणा से जीव घूम रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ, उनमें कई करुणा भगवान कृपा करके बिना हेतु सने करने वाले कृपालु परमात्मा, वे कृपा करके मानव शरीर देते, ऐसे ये शरीर मिला है, इसको याद नहीं है कि जब माँ के पेट में आए तो भूल गए सब बातों को, बहुत बहुत कम आदमी को याद रहता है, विशेष भूल जाते हैं, ये मानव शरीर मिला है, ये भाई शरीर हो चाहे बहना शरीर हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब योग्य है, कई प्रश्नों में कई आचार्य कई वेशों में ऐसा कहते हैं स्त्रियों को अधिकार मुक्ति का नहीं है, पर हमारे शास्त्र में खुला अधिकार होता है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, अपना उद्धार करने में सब स्वतंत्र है, इसमें परंपराधीन नहीं है, तो भगवान की कृपा से ये मानव शरीर मिला है, भाइयों को भी सही ऐसे ही बहनों को ही परमात्मा कृपा से शरीर मिला है, तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में लगना चाहिए, इसमें सबसे पहली बात समय की है, समय है थोड़ा, काम है बहुत, तो समय सावधानी के साथ सबका सब समय भगवान में लग जाए ऐसी चेष्टा करो, क्योंकि समय का तो पता है नहीं, और जिसमें जितनी जितनी उम्र जिसकी आ गई है, तो भाई हो सब बहन हो, जितनी उम्र आ गई है उतने तो कमी हो ही गई, अपने शरीर के भीतर जितने आपको हमारे को उम्र आ गई है उतना समय तो हमारा नष्ट हो गया, उतना तो मर गए, उतना वो समय बाकी नहीं है, वो तो खर्च हो चुका, अब आगाड़ी कितना है इसका पता नहीं, दो दिन का चार दिन का महीना का दस महीना का दो पांच दस वर्षों का कितना आगाड़ी है इसका पता नहीं, परंतु बहुत सा समय खर्च हो चुका है, और हर चुका नहीं है खर्च हो रहा है, श्वास श्वास में खर्च हो रहा है, जो मूल अपने खास आयु है उसमें से खर्च होता है, जैसे घड़ी कट 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 करती है, एक एक कट कट में उसका समय खर्च होता है, वो चाबी समाप्त होने पर बंद हो जाती है, ऐसे ही ये चाबी श्वास चलते है खट खट चलता है, ये समाप्त होने पर फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगी, अपने भी बुद्धिमानी श्रेष्ठता जानकारी विद्वत्ता समझ ये चलेगी नहीं, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है तत्परता से समय का ख्याल रखें।
सबका सब समय भगवान में लगे, भगवान के भजन में लगे। हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से ये प्रार्थना करे और भगवान का नाम जप करे। दो काम है खास, एक भगवान का भजन करना, एक सेवा करना। मनुष्यों के लिए वो चीज है बहुत बढ़िया चीज। एक चीज है भगवान को याद करना, दूसरा जो दीन दुखी उनकी सेवा करना। बूढ़े पूज्य आदरणीय हमारे माता पिता दादा दादी आदि है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, उनसे बन के उनकी आज्ञा पालन करो, सेवा करो, सुख पहुँचाओ। और दीन दुखिया है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, बलहीन है, ऐसे जनों की सेवा करो। सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और भगवान का भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दो काम खास है मनुष्य का। जितना समय बचा है उतना भगवान के भजन में और दीन दुखियों की सेवा में लग जाए। बड़े बूढ़े घर में जो आचार्य है, सास ससुर है, माता पिता है, दादा दादी है आदि जितने गए, उनकी सेवा में लगे। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसका अभी पता नहीं होता है और समय बहुत सा चला गया और रहा हुआ समय भी जा रहा है। प्रतिश्वास में समय जा रहा है, यह अनगिनती का नहीं है, गिनती का समय है। उसमें से खर्च हो रहा है, इस बात से बड़ी सावधानी से भगवान नाम का जप। अभी कलयुग में नाम की एक फसल है, एक नाम का अवसर है, नाम जपने का एक मौका है, एक बड़ा सुंदर अवसर आया है। इस बात से भगवान के नाम का जप करना। सौ श्रुति सौ वेद सौ जुआ में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष नहीं आना हुआ। कलयुग में विशेष महिमा भगवान नाम की और उपाय नहीं है। इस वास्ते कलयुग में नाम की महिमा चाहते, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, एक चलते फिरते बैठते उठते रहते भी, उठते ही बैठते गए, जागत भी है सोए, भैया जिन घट राम जी कबू प्रगट हुए। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय भगवान के नाम का भजन करे। एक तो हमारे पास ये उपाय है, दूसरा बड़े बूढ़े आचार्य माई थे उनकी सेवा करो, छोटे बच्चे उनका पालन करो, समान अवस्था है उनको भी आदर दो, उनका भी सत्कार करो, सब जीवों की सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो काम खास है मनुष्य शरीर के लिए, अपना उद्धार करना, अपना सुधार करना, के दो काम खास है। उसके लिए बड़ी सावधानी रखो, समय गया गया हुआ समय पीछा आता नहीं। आज दिन का समय जो हम लोगों को चला गया वो तो चला ही गया, भजन किया तो भजन कर लिया और कामना न करो कामना न कर लिया और पाप कर लिया भाई पाप भी कर दिया, वो भी कमा लिया, नरकों की तैयारी भी कर ली। इस वास्ते अब सावधान है, ओके पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार न करें, दुराचार न करें, दूसरों को नुकसान न करें। बड़ा भारी नुकसान आपके परिवार परिवार है और उसमें बहुत भयंकर पाप है गर्भ जाने का। हमारे यहाँ पाप बताया है ब्राह्मण की हत्या, सबसे ज्यादा बार बताया है। उसके समान और भी है, मल्यपान है, कुपत्नी गमन है, सोने से घटना की चोरी है, ये चार पाप है। चार पापों का पाप कोई करने वाला संग करना है तो पंचों के पापा उसको भी वही दंड होगा
दूसरा पाप का दबाया होता है। तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप यापम ब्रह्म हत्या विघ्न गर्भपात में गर्भपात करने का दुगुना पाप बड़ा भयंकर पाप है भाई हो बहनों याद रखो गर्भपात का बड़ा बन प्रायश्चित तनुष्यास्ते उसका प्रायश्चित नहीं है धन महान है। एक आपघात करे एक गर्भपात करे इन दो की अगर अस्थि संचय करके गंगा जी में गा रहे तो गंगा जी में गाने वाले को पाप लगेगा। इनके नारायण बलि करे उनके उद्धार भी किए तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है उसके शुभ काम करने वाले को पाप लगता है। ये दो का माँ पाप शास्त्र बन रहा है एक आप घात करे और एक घर घर पाप करे महान भयंकर पाप लगाया है। आज हमारे भाइयों को इन बहनों को पता नहीं है बड़ा भयंकर पाप है बहुत भयंकर पाप है। मनुष्य हो मनुष्य ही माया है उसको नाश कर दिया कर्म नहीं जन्म नहीं लेने दिया बड़ा भारी पाप है। परिवार नियोजन का बहुत बड़ा भारी पाप है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य आते हैं इन माताओं से मिलते ये माताएं हमारी है पूजनीय आदरणीय माँ है इनसे जन्म मना होता है। आप जितने बैठे हो भाई बहन माताओं से जन्म हुआ है। आज गर्भ में छोरी आवे सुधार हो गए वो छोरी नहीं है पुरुषों की माता स्त्रियों की दोनों माँ है माँ उनसे पैदा होते हैं माँ बाप उन छोरी का गर्भ गिराना बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है। ऐसा पाप न करे आज कृपा करे आज से ही कोई ऐसा पाप न करे। परिवार नियोजन करना भी बड़ा भारी पाप है भगवान की प्राप्ति के लिए इसमें तो जन्मते हैं हम कहाँ जन्मे बताओ और माताओं के हम नहीं जन्मेंगे तो कहाँ जन्मेंगे और कोई जगह नहीं है इन माताओं के बाप न जन्म देना बड़ा भारी पाप है। भगवान नियोजन का बहुत पाप है बड़ा पाप है भयंकर पाप है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मारे कोई लोग देना मारे बीमारी में ही नहीं आवे कोई ऐसा बड़ा भारी पाप है भयंकर पाप है। ये कलयुग का प्रभाव है जो लोगों की रुचि ऐसी पाप करने की होगी इस वास्ते सावधान हो जाओ भाई बहन बहनों को भाइयों को सावधान हो चाहिए ऐसा भयंकर पाप मत करो गर्भ गर्म बहन पाप है और परिवार पाप है ऐसा कोई पाप न करे याद रखो इसके सिवाय दूसरे को नुकसान करना दूसरे का दूसरा किसी तरह से नुकसान करना पाप है परंतु ये भयंकर पाप है। तसे त्यागो ऐसी त्याग करना चाहिए जो गर्भपात करती है उस स्थिति से बोलना नहीं चाहिए। मैं तो भिक्षा पाता हूँ आप लोगों घरों की पर जिन घरों में पाप कर गया गर्भपात कर दिया गर्भपात उन घरों की भिक्षा नहीं देता। जिन घरों में गर्भपात हुआ है उनके घर का पानी पीने का पाप लगता है वह पीछे नारायण बलि करे उसको पाप लगता है उनके मरने के बाद वे पुण्य भी करे तो पाप लगता है मेरी सदगति के लिए गंगा जी में उन्हें अस्थि करे तो उसको पाप लगता है ऐसा पाप है भयंकर। इस वास्ते उन घरों की मैं तो भिक्षा नहीं लेता कर रहा हूँ पहले भाई ऐसा पाप हो तो उसका जल भी मत मिलाओ क्योंकि पाप भयंकर होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ऐसी बातें नहीं उभर रही इस वास देंगे बड़े भारी पाप ऐसा पाप में भयंकर मत करो ये प्रार्थना है और भगवान का नाम जप करो ये अभी नाम की उचित है
कलयुग में नहीं आए सब सुख सब सुखी नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव कलयुग में नाम की महिमा विशेष तुम और उपाय है नहीं भगवान का नाम ही है कलव तो धरी ही रात कलव केशव की रात कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने का बड़ा भारी पुण्य है इस बात से ऐसा मौका देता है जैसे पाप न करो भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो ये बड़ा सरल है सीधा उपाय कलयुग केवल नाम आधा नाम समय समय सरल सरल करो सबके लिए छोटा बड़ा बूढ़ा जवान कोई हो भगवान का नाम लेने को उद्धार कर दिया नाम जब आपको प्यारा लगे राम शकर नाम ते अधिका हो नाथ खगन मधिका ये रामायण में नारद जी महाराज ने वरदान मांगा है भगवान ने वरदान दिया है और उगण श्री राम नाम सोई सोम राम नामी में बताई परम शिवाय आपका वास है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सूर्य नाम का मंत्र है कवि संतन उपनिषद का इनमें कोई सा इनाम आप जो आपको नाम प्यारा लगे उस नाम का जप करो नाम की बड़ी भारी महिमा है ये कलयुग में विशेष है कलि कल कल नहीं करी कर्म भगति विवेकु राम नाम अमर मन एकु कर्म नहीं हो सकते उपासना नहीं होती तीन कांड है उपासना कांड ज्ञान कांड और कर्म कांड नहीं करी कर्म भगति विवेकु ये तीन मार्ग है राम नाम अमर मन एकु भगवान के नाम का जप करो इसका जप करना भाइयों से बहनों से सब से प्यार से ही करना है भगवान के नाम चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध कैसी अवस्था में कैसी अवस्था में हो भगवान का नाम खुला है इसमें परहेज नहीं है आप अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम लो ये बहम मत रखो भी अशुद्ध नहीं लेना मरता है तो आदमी प्राय बीमार होकर मरता है बहुत ऐसे अचानक मर जाते हैं परंतु बीमार होने पर स्नान शौच आदि होता नहीं थी तो न होने पर भी भगवान के नाम जप करने की मनाही नहीं है अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले ऐसा पै मर जाएगा अशुद्ध अवस्था नहीं करेंगे तो वंचित रह जाएंगे बड़ा आनंद हो जाएगा इस वास्ते भगवान के नाम का जप हरदम करो और तो सेवा दो बात बताइए आपको दो बात याद रखो बड़े बूढ़ों की और अपराधों की आरक्षितों की असहायों की सेवा करना और तो भगवान का नाम जप करना ये विशेष बात है गायों की सेवा करने का भी मौका है कई कई गायों की सेवा करी है और अभी गायों को छोड़ दिया है गजब किया है बड़ा भारी पाप है ये छोड़ना नहीं चाहिए अभी भी गायों की आप बारे की फिरती हो ऐसी गायों तो अपने रखो भराव में और पालन करो उनका गायों का बड़ा भारी पुण्य है जिसमें आज छोड़ दिया हो पालन करने वाले गायों ने गायों की पाल करके छोड़ दी बहुत पाप है इस वास्ते भाई गायों की सेवा करो मनुष्यों की सेवा करो अपाहिजों की सेवा करो आरक्षितों की सेवा करो दलितों की सेवा करो जिसके पास में कुछ नहीं हो उसी सेवा करने का बड़े भारी माध्यम है मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर केवल भजन करना सेवा करना दो काम खास काम है बहनों माताओं को भी यही चाहिए भाइयों को भी यही चाहिए भगवान में ले जाओ सच्चे हृदय से आपका मेरा पाप करेगा कलयुग में नाम की महिमा और सेवा की महिमा है इस वास्ते भाई करना है और दूसरों को उपकार करना सौकार करना दीन दुखियों की सेवा करना उनकी रक्षा करना सहायता करना ये बड़ा भारी पुण्य है इस वास्ते दो काम है अनेक मनुष्य के लिए काम है ये मनुष्य शरीर से हो सकता है देवताओं से नहीं होता देवताओं का शरीर उत्तम होता है हम लोगों का सेवन है इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है देवताओं के तेजस तत्व प्रधान होता है
देवताओं के हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, तो पवित्र शरीर है, परंतु भजन करने का मौका जितना मनुष्य है देवताओं को नहीं है। ऐसा उत्तम शरीर होने पर भी उनको मौका नहीं है भजन का, भजन का मौका मनुष्य को। तो भजन करने के लिए मानव शरीर है, ये मानव शरीर के सिवाय और शरीर और भजन का मौका नहीं है। इस वास्ते खुशबू बना देता है, हरदम राम 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 भगवान के नाम का जप कर रहे हो, ये पूंजी है। राम नाम पूंजी, पल्ले बांध रहे मना, धूप बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना, ये पूंजी जरूर शुद्ध संग्रह करो। हमारे साथी थे चिंगराम जी, वे शहीद छोड़ने लगे तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी कल्याण संपद, उन्होंने कहा ये बड़े पूंजीपति है, हम पैसा रखते ही नहीं, पास में क्या पूंजी है। तो भगवान नाम जब किया, एक भगवान में कोई जाए बहुत है, भगवान की सेवा बड़ी प्रेम करिए, तो पूंजीपति है ये, उनको भाई जी ने कहा था पूंजीपति। तो नाम की पूंजी है, चौड़े बुरा है राम लड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सतदास जीते सोने जाए, चौड़े प्रश्न है। पढ़ो जस क्यों नहीं ली जय रे मना राम कही जय रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लो सोने पड़ी जाट भजन गुजर भवत भावे भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाव में सबका उकाशी, सबका ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान का से जीव मात्र ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन सुशी, ईश्वर कारण से ईश्वर से नाम जपने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। ईश्वर से असली नाम और छोड़े पड़ा, कोई मनाई नहीं, कोई बंध नहीं। कल युग में नाम की महिमा चले और जो हमारी अपेक्षा, इस वास्ते भाइयों से कराए हरदम नाम जप करो, काम धंधा करते हुए हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, उत्तम रीत है काम धंधा करो। राम 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 राम, बहनों माताओं से कह बोलो मत, बातचीत मत करो, समय बाताओं में मत करो, घर में बाताओं बाहर बाताओं बाताओं आता जाता, अब बाताओं में नफो नहीं है जो मारे लाल लातो, भगवान का नाम लो कैसे हो भगवान का नाम लो, फिर भगवान मत करो, सौगा सही में रखो, बोलो कहो भगवान का नाम है, और दूसरों की सेवा करो, शुभ पहुंचाओ, कोई तुम्हारे दुख भी दे खड़वाई बोले तुम सेवा करो, तुम्हारे अपने को लाभ उठाए भाई खड़वा बोले तो वो चढ़े अपना, अपने तो लाभ उठाओ और सेवा कर ले शुभ पहुंचाओ। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, विभीषण ने रावण को अच्छी शिक्षा दी और रावण क्रुद्ध हो गया, तेरी सहायता माने तेरे कहो कि दूत को मारना नहीं चाहिए तो मैं लंका पर भी लंका तेरी सहायता सठ मिल जाऊ को नीति, उस रावण से जा तू मिल उसको नीति बना दो उन्हें गरीब हो जा, ऐसे किया तो तुम फिर समान पिता के समान भले ही मुझे मारा, मैं राम भले हित हो तुम्हारा, मंद कर जो गई भलाई, वो लात की मारता है परंतु विष्ण कहता है राम भले हित हो, संतों का ये स्वभाव है भले में लगो भाई तो नाम लगो। हरिमन हरिदास जी महाराज थे, उनको कोरों से मारते रहे, मारते हुए गरीब हो हरि हो भगवान का नाम लो, तुम भगवान का नाम लो,
शरीर में खून आने का खून मूर्छित हो गए, इतना मारा। फिर नाम भगवान नाम लेता है, काफी नहीं काफी, ऐसा नाश करो। वो कहता है नाम लेते भगवान नाम लो, अब मारने की चिंता नहीं है, तो भगवान का नाम मेरा उद्धार हो जाए। तो ऐसी बात है, तो बहनों से माताओं से भाइयों से भगवान का नाम कहने की प्रार्थना है, हरदम भगवान का नाम दो। कभी लोग सेवा करो, जन्म सफल हो जाएगा। माताओं बहनों भाइयों, मां मानव का समय है, ये मानव समय है, सफल हो जाएगा, नहीं तो निष्फल हो जाएगा, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। सहानि कर्मा क्षेत्रम सा चांद जग मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंते। भगवान का वर्णन नहीं करे वो हानि है, वह बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है, महान मूर्ता, महान मूर्ता है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो और सेवा करो, ये दो काम करो। और हर समय याद रखो कि उम्र थोड़ी रह गई है, जा रही है उम्र, तो उम्र खत्म हो गई तो मैं फिर होगा नहीं। ये मौका भी है, इस मौका में ये समय चला गया, फिर सो पर वही ध्वनि बच जाए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो ऐसे मौके पर भगवान का भजन नहीं करता तो पीछे रोएगा। जब वस्त्र मिलती है उस वस्त्रों के खरीदने वाले, किन्हीं ने 70,000 कमाया, किन्हीं 50,000 कमाया, किन्हीं 1,00,000 कमाया, किन्हीं 10,00,000 कमाया, सब रोते हैं। 10,00,000 कमाया वे भी रोते हैं कि पहले पता नहीं था, उस समय खरीदते थे करोड़पति बन जाते। 1,000-2,000 कमाया वे भी रोते हैं। ऐसे ही अभी ये मौका है, अभी भजन करने का, सेवा करने का ये मौका चूक गया। सो परत रूपा वही ईश्वर धुने धुने बजता, काले कर्म ईश्वरी, काल को कर्म को ईश्वर करता है। भगवान ने ऐसे ही कह दिया, समय ऐसे ही मिला, भगवान ने मार्गदर्शन किया, भगवान ने कृपा करी है, मानव शरीर दिया है, भजन बनने का मौका दिया है, सत्संग करने का मौका दिया है, ऐसी बातें सुनने का करने का आपको हमारे को मौका दिया। ये भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है। इस वास्ते हरदम भगवान के नाम का जप करो, हरदम भूलो मत, भूलो मत, छोड़ो छोड़ो मत, और सब सुख हो सब प्राणी मात्र का, प्राणी मात्र का सब सुख हो सब। अपने गायों की रक्षा करो, गायों को लोगों ने छोड़ दिया है, अभी गायों जितनी जंगल में पड़ी है वे फिरे, उनको खेतों वाले मारते हैं बेचारे, सेवा करते नहीं है, पिता ने पालन करी है फिर छोड़ दी, तो आप लोग गायों को रखो, एक एक दो दो गाय घर में रखो, आपका घर पवित्र होगा, गोबर गोमूत्र से आपका घर पवित्र हो जाएगा। हमारे कोई अपवित्रता होती है, बालक जन्मता है, किसी मृत्यु होते है, लाओ भी गोमूत्र लाओ, गोमूत्र लाओ, गोबर लाओ, उसे चौका बदल करो, कोई भोजन बनाना है तो गोबर लाओ, गाय का गोबर जिसे दीप करके जल में शुद्ध कर दे, पवित्र उसे भोजन कर बनाएंगे। ऐसा पवित्र करने के लिए सबसे पवित्र गौ है, ऐसा गोबर गोमूत्र भी बड़ा पवित्र, रंग लक्ष्मी वर्ष उच्चार, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है, उसके गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गंगा जी खास बनी गोमूत्र में, लक्ष्मी बढ़ती गोमर में, इस वास्ते उनकी सेवा करो। तो गायों की सेवा का बड़ा भारी महत्व है। और गांव में कोई दीन हो, कोई दुखिया हो, कोई दरिद्री हो, भले कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई दुखी हो, अन्नदान दो, अन्नदान का बड़ा भारी बोले, अन्नदान हो महादान हो, जो महादान बताया है, विद्या दान तत्व दिखो, विद्या उसे भी बढ़िया है, अन्नदान महादान है। कोई गरीब हो उस ग्राम में अन्न पहुँचाओ, कपड़ा पहुँचाओ, लोग पहनो माताओं लज्जा दीवाने के लिए कपड़ा नहीं है,
आप लोग ज्यादा बक्सा भर कर कह रहे हो, बक्सा भरते करते हो, आप कई बहनों के लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है, सज्जन कई गए इशारा करने को, क्योंकि आप धान ले लो आए हैं वो किसमें ले रहे, तब ऊपर से कपड़ा फेंका तो कपड़ा फैल करके बाता है आई, कपड़ा लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं लेने, शीत काल में उम्र चावल पड़े तो प्रेम जी और मिल गया राम राज लोगों को रजा बाटी छी और मोटा पशुओं के लिए चारा बांटा, इस तरह से एक मौका समय आने पर सबकी सेवा करो, गायों की सेवा करो। पहला 56 काल हुआ था जिसमें मनुष्य मर गए और इसमें 56 में गायों मर गई, खेतों में जहाँ वर्षा हुई वहां पर खेतों में घास नहीं है, धान नहीं है। आज खेत देखकर मैं कहा भादवे का महीना है, देखो खेत छोटे, देखो खेतों का, देखो भादवे का महीना है, क्या घास बनाए बाकी है, ऐसी दशा है। जब मैं वर्षा हुई ज्यादा वहां बाकी सट्टा आया, बीमारी अच्छी है, जब वर्षा हुई ऐसी है, बस घास पैदा होता नहीं, वर्षा होते भी घास पैदा नहीं हुआ, इस वास्ते गायों मर गई बिचारी, यानी सेवा करो। भाइयों बहनों मौका है, मौका समय चूक फिर का बदता रहे का वर्षा तो कृषि सुखा दे, मौका चूकने पर ऐसा पुण्य नहीं होगा जितना पुण्य का मौका अभी लगा हुआ है, इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको भगवान में लगाओ, छोटे बालकों को भगवान में लगाओ, बूढ़े बड़ों को भगवान में लगाओ, भगवान का नाम सुनाओ, नाम की बड़ी भारी महिमा है, ये मौका है। समय चूक है फिर क्या है, का वर्षा जब किसी सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा नहीं क्या है, इस वास्ते हमें मौका अच्छा गया है, इस वास्ते बड़े उत्साह से भगवान के भजन में लग जाओ और दीन दुखों की सेवा में लग जाओ, गायों की सेवा में लग जाओ, अपने सामने भूखे दीन दुखी कपड़े के घर में नहीं है, किसी के घर में अन्न नहीं है, उन घरों में अन्न पहुंचाओ, गरीबों के घर है उनका अन्न का अन्नदान महादान है, महादान है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से बड़े नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सेवा करो, मीठा बर्ताव करो, लड़ाई बतो करो, करो बोलने बड़ी मीठा बोलो, करवा बोले मैंने दूसरे हमेशा बोलो, प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे दुष्यंत जंतु तस्मात प्रेमे वक्तव्य बसने का दे देता, क्या मीठा बोलने में खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, मीठा बोलना हमें सरना पड़ाओ मैं लगाएं पांचो संज्ञा दान का ही वजाथा ध्यान भगवान का बनने का आस दान गाना, ये पांचो चीज अच्छी है, मीठा बोधन निम चरण पर मीठा बोधन निम चरण नमन और भगवान भगने करना और हाथ से दान भगने करना, अब इन देव देव से कोई याद जन को खाती बचाने दो, सज्जनों जिन्हें दान नहीं हुआ पुण्य नहीं हुआ शुभ काम नहीं हुआ भजन काम नहीं किया कीर्तन नहीं किया वो दिन खाली चला गया, उसको अब इन देव देव से वो तो बांध देगा, बांध जैसे पांच माताएं होती है उनके बालक नहीं होता, इसी तरह से वो दिन ऐसा गया जिसमें कुछ वजन नहीं हुआ, जिस भगवान का नाम नहीं लिया, दिन दुखों की सेवा नहीं करी, हमारा दिन खाली चला गया, पछताता बड़ा चाहिए, दुख होना चाहिए, रोजाना देखो वह दिन भी अपना रोटी और निकाल रख दो रोटी दे दो, अन्न बनाया बनाया अन्न देना पुण्य करना, पैसा लेकर के पैसों का अर्थ लेकर देना बड़ा भाई पुण्य है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप उत्साह रखो मन में, उत्साह ही आप आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है, कठिन कठिन काम भी सुगम हो जाएगा,
उस आनंद में। और भगवान मददगार है, अच्छा काम कर रहे हैं, संत है, महात्मा है, परमात्मा है, ये सब मददगार है। धर्म सहायक है, शास्त्र सहायक है, संत माता सहायक है। संत पहले हो गए वे भी, अभी वर्तमान है वे भी, आगे होंगे वे भी, सब के सब आपके सहायक है, सहायता करने वाले है, आपकी रक्षा करने वाले है। तो इस वास्ते बड़े उत्साह से काम करो, हिम्मत रखो, मन में हार हार और श्रृंगार करो, किस तरह से सबका हित हो जाए ऐसा सोचो, मन में विचार करो, हित करो, सेवा करो, काम करो, उत्साह से काम करो। जैसे आप लोग सत्संग में आए हो, घर का काम धंधा छोड़ करके और सत्संग में आए हो, थोड़ी देर ठहर जाओ, भी भगवान के नाम का कीर्तन होगा, अभी जाओ मत, शहर हो पाए भाइयों बहनों के लिए माता बहनों ठहरा, थोड़ा थोड़ा ठहरा, ज्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर कर रहे विश्वास कृपा करो, फिर ठहरो जाओ। मौका मिलता नहीं है, आज आपको पता नहीं है, शास्त्र में सत्संग के लिए मौका बहुत कम मिलता है, समय माता उठ कर जा रही, दो चार पांच दूर उठ कर जा रही, तो कह रहे थे जाओ मती कृपा करो कृपाण, पर तो मानते नहीं, वो नहीं बात मानेंगे, गर्भ बात कर लेंगे, परिवार जल्दी कर लेंगे, झूठा काम कर लेंगे, पाप का काम तो जल्दी कर लेंगे, पर सत्संग इतना पुण्य कर है, सदकाम से सद बातों से पंजीयन मत रखो, कृपा करो कृपानाथ। कलयुग का समय, कलयुग का समय, कलयुग में विशेष महिमा है, प्रभाव विशेष है, नहीं कलि कर्म भगत देखो, राम नाम अवलंबन एक, भगवान का नाम है वो अवलंबन है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान लगे रहो। आपको मौका लग जाए तो दीन दुख सेवा करो, अब ये समय है, जब माल बिकता है, लेने वालों को गरज होती है, तो माल खुला मिलता है, हर समय नहीं मिलता, मरी और तरी कभी कभी आती है, मरी भी और तरी भी, तो ऐसे समय में सेवा करना, भजन करना बड़ी उत्तम बात है, इस बात से दूसरों को सेवा करो, सेवा धर्म परम गहन हो, योगी नाम में योगियों के महात्माओं के संतों के लिए बताया है, ये सेवा धर्म परम गहन गहन है, इस वास्ते तत्परता से लग जाओ, मौका लग जाए, ये भगवान की कृपा है, जो ऐसा मौका लगता है, भगवान की बात सुनने का, कहने का, विचार करने का, पढ़ने का, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता प्रेस का साहित्य बड़ा सस्ता मिल रहा है, यहाँ भी आया हुआ होगा तो मंगा लो, बड़ा सस्ता मिलता है, बड़ा सुगम है, और राज भी सहायता करता है, और पैसों का पैसा लगता है, और गीता प्रेस की पुस्तकों के लिए फिर सज्जन करते हैं, ये तो केवल उपकार के लिए करते हैं, ये व्यापार नहीं है, सस्ती दुकाने लगती है, ऐसी सस्ती पुस्तक प्रचार करो, उत्साह से, तो उससे आपका घर पवित्र होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, सुनने वाले कान पवित्र हो जाएंगे, इस तरह से पवित्रता का बड़ा मौका, सुंदर मौका है, इस बात से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, रामायण गीता का पाठ करो, उपनिषदों का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, जिससे कल्याण हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ बात है, जिसको धारण करो, मौका है सज्जनों, मौका है, अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर आया है, इस वास्ते सुखी शिवा।
शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। नाचार से बहुत पतन होता है, मनुष्य की वृत्तियां खराब हो जाती है, दूसरों का भी नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है, पतन होता है। इस वास्ते पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, अनाचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। सावधान रहो, सदा भगवान की गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, अरे भैया हनुमान चालीसा ही पाठ करो, चंद्रकांड का पाठ करो। इसे बड़ा भारी महत्व है। हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान हनुमान जी महाराज खुश हो जाएंगे। बहनों माताओं को हनुमान जी का छोड़ने के तो मना करते है, पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मना नहीं है, चंद्रकांड के पाठ करने का मना नहीं है, रामायण के पाठ करने का मना नहीं है। इन कामों में लगो, दूसरों की सेवा हो जाए, सुख पहुंचे। ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, पर हित सरी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जन के मन माही, तेने कहा जगत दुर्लभ कसु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, इसके समान कोई पुण्य नहीं है। और पीड़ा समाज में एक दूसरे दुख देने के समान बना दी है, तो फरक दूसरों का हित हो, कल्याण हो, सत्संग में लगाओ, सत्शास्त्र में लगाओ, अच्छी पुस्तकों में लगाओ, अच्छी पुस्तकों का प्रचार करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, आरक्षितों की सेवा करो, गरीब है और गरीबों की सेवा करो। ये भगवान का स्थान है निकलने का। भगवान कहाँ रहते हैं? दीन दुखियों भगवान रहते हैं, संत महात्माओं भगवान रहते हैं, भगवान का भजन करे उसमें भगवान रहते हैं, भगवान रहने की जगह है। शास्त्रों में आया ऐसा, एक नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था, एक नरोत्तम ब्राह्मण, वो ब्राह्मण घर से निकला तो दो धोती पास में और बड़े संयम से भजन करते रहा, तो ऐसी बात हुई वे धोती धो करके ऐसे सुखा देता, तो धोती आकाश में सूख दी, बिना आधार के धोती सूख दी। मन विचार क्यों, मन में अभिमान आया, देखो मैं कैसा तपस्वी हूँ, कैसा त्यागी हूँ, जो मेरी धोती बिना आकाश दी, ऐसे एक उंगली ने पेट कर दी, उस वजह करी उंगली की परेशानी मर गई, अब धोती सी मेरी बंद होगी। मेरे अभिमान के कारण से बगली मर गई। तो आकाशवाणी हुई है, तू क्या करता है, तू समझता है कि मेरे धोती ऐसी है, तो वो बुक एक शानदार है बुक, उसका घर बिना थम्पे खड़ा, बिना थम्पे घर खड़ा है, वो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा के समान तेरा पुण्य नहीं है। वो हाथ जोड़ बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपकी बात धोती भी गिर गई और आपको आकाशवाणी हुई, तो तू जानता है कि महाराज मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करता हूँ, मैंने ब्याह नहीं किया, मेरा छोरा छोरी नहीं है, ब्याह नहीं किया, क्यों माँ बाप की सेवा में बदल जाएगी, बूढ़े उनके गर्मी के दिनों में ठंडी चीजें देता हूँ, ठंडी के समय में गर्म कपड़ा पहनाता हूँ, और रात में माँ बाप के पास में रहता हूँ, कोई काम हो तो सट उठे काम कर देता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ। इसमें प्रश्न आया, ये नरोत्तम ने देखा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान तो भगवान ने एक घर बताया कि माँ बाप की सेवा भगवान रहते है, तो उसमें जाए घर में देखा तो उसका घर था विराट था, मैं आकाश रहने खड़ा था, तो विचार किया मेरी धोती सूर्य जमी मन कर दिया, इसका घर कैसे, उसे घर एक ब्राह्मण खड़ा है, वो ब्राह्मण कहता है कि तू देखो दे ब्राह्मण से शिक्षा लो, ये चंदा ने वो कैसे शिक्षा लो, और इस नहीं तो अगर ये एक पति प्रता है,
सुबह नाम पति पता उस पति पता कर लो, चलो घर में बता दू, उस साथ में हो गया तो साथ में बताया कि ये पति पता घर है किसमें जाओ आप, तो घर में प्रवेश किया वो तो साथ में लेना अंदर ध्यान हो गया, उसमें जाकर देखा तो एक पति पता एक बार से पति आए तो सामने कहीं हाथ जोड़ गए, वो दरो तुम कहता है मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप आए हो तो थोड़ा ठहरो पति देव आ गया मैं एक चेक करूँ इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, अभी बच्चों पे टाइम नहीं है पति की सेवा करना है, यदि मैं तिर आती थी हो मेरे को समझते ही नहीं तो मैं ब्राह्मण आया हूँ कि महाराज इस अभिमान से आपकी बुगली भर गई और आपकी धोती आकाश में सो गई, तू कैसे जानती है कि मैं पति की सेवा करता हूँ, सेवा से मेरे को धर्म का ज्ञान है, धर्म क्या चीज है जिसे मनुष्य अपना ऊंचा हो जाता है, तो पति की सेवा करना ज्ञान, माँ बाप की सेवा करना पहला, दूसरा बताया पति की सेवा करना, इसमें मैं सब जैसा जानता हूँ, तुम्हें जल्दी है तो महाराज आप जाओ, एक व्यापार है व्यापारी करता है थोड़ा धर के जाओ आप, वो व्यापार करता है, व्यापार करते हुए सिद्धि हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो व्यापार करता है उस व्यापार में देखा देगा होती ना, तुम्हारा व्यापार में सिद्धांत उसका है, जिस घर में जिस देश में जो चीज न हो उस देश में वो चीज पहुंचानी, और शस्त्र शस्त्र धामा में किसे मैं दे सकता हूँ, इस तरह से वो करता है, सबका हित करने के लिए दुनिया मात्र का हित के लिए व्यापार करता है, उसके भगवान रहते हैं उसे घर में, उसमें आप जाओ कर पूछो, तो जाकर देखा तो अठारह नमक देना है खिचड़ी देना तेल देना, अरे रस रस की बिक्री रस जैसी बिक्री नीची मानी जाती है, दोष माना जाता है, वो रस उसकी बिक्री करता था, परंतु सब लोग बैठे हुए तो देखा कि ये मेरे को क्या बताएगा जाएगा, तो महाराज आप जाते क्यों हो, आप आओ अभी मैं घड़ी भर रात्रि पढ़ पर जाएगी तब तक मेरे ग्राहक रहेंगे, तब मेरे लिए सेवा करता हूँ, उसके बाद मैं आप जो कहोगा आपका हुक्म पालन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप जो पूछो बताऊंगा, व्यापार के कारण से दुनिया की सेवा के कारण से भगवान की कृपा मेरे पर है, मैं धर्म का तत्व जानता हूँ, आपके वहां उंगली मर गई एक आकाश धोती सूख थी उस समय अभिना अभिना आ गया, तो समझते थे सभी मारे मेरी बात को जानते इनको क्या पता है मेरी क्या दशा हुई, ये बड़ा विचित्र है, आपको जल्दी करना हो तो एक एक ब्राह्मण रहता है एक सज्जन है, एक सज्जन अद्रोह कुछ करना अद्रोह अद्रोह सज्जन रहता है, वो सज्जन बड़ा संयमी है और जितना संयम रहता है वह संयम से भगवान के ज्ञान है, भगवान के तत्व का ज्ञान है, धर्म के तत्व का ज्ञान है, वो आपको ज्ञान बताएगा, आपके धोती सूखने से वह अभिमान आ गया, बेचारी बगली भर गई आपके धर्म से, धोती भी थोड़ा सा पुण्य करके आपने ऐसी बात बना दी, ऐसा मत करो महाराज उनके जाओ, तो उनमें क्या विलक्षणता है, तो उसने ब्राह्मण कहा वो ब्राह्मण मैं बताऊ चलो, वो एक ब्राह्मण में साढ़े सात हो जाए जिस घर में जाए उसे सात हो जाए बताऊ क्या बताया कि महाराज यहाँ देश के राजा ने अपने कुंवर को कहा कि प्रजा में जाकर निगाह करो, कोई दीन दुखी अपाहिज आरक्षित न रहे, कोई दरिद्री न रहे, कोई दीन न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई निर्धन न रहे, तो जाकर काम करो, तो अपने कमरानी को लेकर के अद्रोह के पास पहुंचा, अद्रोह ने कहा आप क्यों लाए हो कि मेरी स्त्री को रखू, ना तो मेरी स्त्री के पीहर का मेरे को विश्वास है, ना मेरे घर का मेरे को विश्वास है, तेरा विश्वास है तेरे पास रखता हूँ स्त्री को,
तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं आपके ना तो आप ऋषि के पीर का हूँ, ना मैं शास्त्र का हूँ, मेरे पर क्यों रखते हो कि मेरा विश्वास तेरे पर है, तुम रखो ऋषि को। मैं सब राजा के कहने के अनुसार प्रजा में सब देख करके पीछा हूँ तब विश्वर्धन। तो उसने स्त्री को रखा, स्त्री को रखा तो रात ऋष हो गए, तो कहते दूर कृष हो गए, क्या पता है क्या हो जाए, बहुत दुष्ट है। इस वास्ते एक तो उधर मामाएं तो बताओ अपनी स्त्री को शुद्ध होता है, दाई तक शुद्ध होता है, उस हाथ में देता है तो मालूम होता है माँ है, मेरी माँ सोई है, माँ की गोदी में सोया हूँ, ऐसा उसको मालूम होता है, ऐसा विचित्र उसका स्वभाव है। वो पर स्त्री माते वक्ने माता के समान समझ के उसी पालन किया, इसी पालन करने से उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने वो आया तो लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी। देखो राजकुमार भी कितना मूर्ख है, दूसरे आदमी के सामने अपने स्त्री को रख दिया और लोगों में चल गया, तो वो आया तो क्या भारत तेरा काम तो हुआ, मैं तुम्हारी स्त्री का पालन किया, अपनी स्त्री को कह दिया कि दिन भर तुम ना अपने पास में, रात में मेरे पास सोएगी सोएगा, ऐसे रखना करूंगा, तो इस बात से मेरी बड़ी निंदा हुई, बड़ी अपमान हुआ। फिर महाराज लोग आए, लोग निंदा करी, उनके कोर निकल गया, उन पत्नी की सेवा करने से ऐसा हुआ, और उन्हें कहा कि आप ठहर जाओ तो आपको मैं बात धर्म का तत्व बताऊंगा, नहीं तो एक ब्राह्मण है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान के मंदिर की सेवा करता है, वो आपको बताएगा। फिर वहाँ पर गए, ये पांच है, पांच है, मानो माता पिता की सेवा करता है, पति पर धारण करता है, और व्यापार करता है, और अपने पत्नी दूसरे का पालन करता है, परस्त्री माते करता है, और पांचवा वो भगवान की सेवा करता है। तो उस घर में ही वही खड़े वो आए पास में, पासवान के बता दिए ये भजन सेवा करने वाला है, इसका घर है, मेरे सामने हाथ जोड़ा, तो भाई तुम इतने महात्मा हो गए तो देखो तुम्हारे हृदय तो बना, थोड़ा अभिमान हुआ दो तीस आसान आश में वो अभी गिर पड़ी, बस्ती मुर्गी बेचारी बकली चलती थी, तुमने अभिमान किया है, अभिमान नहीं करना चाहिए, यूँ खुल गए और वो गया मंदिर में, चलो मंदिर में ठाकुर जी बताओ बताओ। तो ठाकुर जी का मंदिर खोला तो वो ब्राह्मण जो सदा साथ में आता था ना, वो ब्राह्मण खड़ा खड़ा है, वही खड़ा ब्राह्मण भगवान का स्वरूप, इतने घरों में भगवान रहते हैं, पति पता घर में भगवान रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते भगवान रहते हैं, सच्चाई से बर्ताव करते भगवान रहते हैं, परस्त्री माँ देव जानते भगवान रहते हैं, और भगवान की सेवा बढ़ाते उसे भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा देख देख लेना मेरे पास में, वो देख भूख सन्नाल मर गया है, उसके घर में क्रिया सिरसटा जीव जंतु सब शत्रु रुझे बैगुंठ बचा रहे हैं, विमान में चले हुए तेरे को नेत्रों से देखो, माँ बाप की सेवा का इतना महत्व है, ऐसे पति पत्नी का महत्व है, इसी नहीं नया साधा है व्यापार करे उसका भी महत्व है, ये सब का महत्व है। और वो अद्रोह अद्रोह नाम अद्रोह अद्रोह किसी बैर किसी चाहिए बैर किसी चाहिए सब साथ प्रेम का होता है, अद्रोह ऐसे ऐसे है। अब ये भी इस तरह जो है, तो इन पांच घरों में पांच व्रत करने वालों के घरों में साक्षात परमात्मा रहते, कैसी बात बताऊंगी। फिर वो भी हाल चूड़ा उसका ठीक महाराज नरोत्तम ब्राह्मण बड़ा संत महात्मा हुआ, पद्म पुराण में कथा थी विस्तार पूर्वक, तो ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे अपने अपने धर्म का पालन करने वाले, जो जो अपने कर्तव्य अधिक पालन करते हैं उसी घर में भगवान रहते हैं। फिर उसको बताया सभी सब घर में रहता हूँ, मैं तेरे साथ में आया घर बताया वो मैं ही था सभी, इस तरह से भगवान घर में रहते। आप भी ऐसे पति पता है बोलो संयम रखो,
व्यापार करो सच्चाई के साथ, दूसरों के हित हो, कैसे कौन सी चीज किसी मेरे पे गई है वो पैसे पहुंचे, ऐसा व्यापार करो और पति व्रता का मान करो और पत्नी पत्नी व्रत पुरुष हो तो पत्नी माता की तरह समझ करे या सेवा करो। ऐसे काम करने वाले घर में भगवान रहते हैं, भगवान की प्राप्ति होती, ऐसा लोगों ने बताया। तो भाई अपना अपना कर्तव्य पालन करो, भगवान रहते हैं, बहनों माताओं को शायद ऐसे बालकों का पालन करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। और ठाकुर जी की सेवा करता उस सेवा के कारण से भगवान उनके घर में प्रत्यक्ष करे, मनुष्य रूप से रह करके सेवा स्वीकार करते भगवान रहते थे। इस वास्ते भगवान की पूजन करो, वंदन करो, पति पर धारण करो, इस व्रतों के धारण करने से भगवान साक्षात आपके घर में रहेंगे। अब चाहता हूँ समय समाप्त हो गया, 9 से ऊपर हो गया।